गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स. आज का टॉपिक है ड्राई सेल और इलेक्ट्रिक सेल. जो आप घर में सेल यूज़ करते हैं, जो आप रिमोट टॉर्च में सेल यूज़ करते हैं, उस सेल का नाम क्या है? ड्राई सेल. इलेक्ट्रिक सेल बींग यूज इन टॉर्चेस, टॉयज, ट्रांजिस्टर्स, वॉचेस, क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड ड्राई सेल. जो हम सेल्स टॉर्च में या खिलौनों में यूज़ करते हैं, इस टाइप के सेल को क्या कहा जाता है? ड्राई सेल. अब इसका वर्किंग कैसे होता है? ड्राई सेल बहुत ईजी होता है इसको हैंडल करना, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है. ईजीली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. ठीक है, ड्राई सेल डिफरेंट शेप एंड साइज़ में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, इनका साइज़ छोटा साइज़ भी इसका मिलेगा आपको, बड़े साइज़ के सेल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं. इसमें होता क्या है, बेसिकली जो सेल्स है उसमें केमिकल फिल होता है. वो केमिकल रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. इनसाइड अ ड्राई सेल देयर आर सर्टेन केमिकल्स विच रिएक्ट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. ड्राई सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अब इसमें होता क्या है, इस सेल में इसके दो एंड्स होते हैं. आप देखेंगे ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है. ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट एंड एंड दिस इज़ सेकंड एंड. तो ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल है. इन एंड्स को क्या कहा जाएगा? टर्मिनल्स. एवरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू एंड्स वेयर कंडक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट. इन दोनों एंड्स पे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट किया जाता है ताकि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो वायर से होते हुए जाए और बल्ब अगर कनेक्ट किया है तो वो बल्ब ग्लो करेगा. अब ये देख सकते हैं, इसमें ये सेल है, सेल के एंड से दो वायर हैं, इन वायर्स को बल्ब से कनेक्ट किया है. जैसे स्विच ऑन करोगे इस वायर से क्या होगा, इस सेल में जो केमिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी इस वायर से फ्लो करेगी. इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करेगी ये बल्ब ग्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव. आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और एक जो सेकंड टर्मिनल होगा उस पर माइनस है ये. ठीक है, तो एक एंड इसका पॉजिटिव होता है और सेकंड टर्मिनल सेल का जो है वो नेगेटिव होगा. द मेटल कैप इज पॉजिटिव. आप ये देखेंगे ये मेटल कैप है. मेटल कैप क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरी साइड क्या होगा? ये नेगेटिव टर्मिनल. द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी थॉट ऑफ एज फ्लोइंग इन फ्रॉम वन टर्मिनल एंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम अदर. तो करंट क्या होता है, एक टर्मिनल से बाहर आएगा, बल्ब ग्लो करेगा, उसके बाद करंट दूसरे टर्मिनल पे एंटर करेगा. ठीक है, करंट ऐसे कंटिन्यूस फ्लो करता है जिससे ये बल्ब ग्लो करेगा. आप ये अरेंजमेंट देख सकते हैं, जैसे सेल है, सेल के दोनों एंड पे वायर से बल्ब को कनेक्ट किया गया है. वैसे ही देखो सेल है, सेल के एक एंड पे रेड वायर कनेक्ट की है, दूसरे एंड पे ब्लैक वायर और यहाँ पे एलईडी यूज़ किया है. जैसे ही एक सेल से करंट फ्लो करेगा ये एलईडी ऑन हो जाएगी और ये करंट यहाँ पे एंटर करेगा वापस सेल में. ठीक है, तो ऐसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सेल में जो केमिकल्स है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब ग्लो करेगा. अब ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अगर आप इस सेल को तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट मेटल्स यूज़ किए जाएंगे, वो हम देखेंगे वन बाय वन. ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक वेसल डेट इज़ मेड अप ऑफ मेटल जिंक. जो ये सेल है, सेल के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ये क्या है, जिंक से बना हुआ है. ये जिंक है, जिंक कंटेनर, और ये नेगेटिव टर्मिनल के जैसे बिहेव करेगा. ठीक है, यहाँ पे कैप लगी हुई है, नीचे की साइड जिंक कंटेनर है, ये जिंक सरफेस है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे सेंटर में क्या है, ऊपर ऊपर की साइड कैथोड रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा. ऊपर की साइड ये कैथोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. अब यहाँ पे कार्बन के बाद यहाँ पे क्या फिल किया हुआ है, यहाँ पे एक पाउडर है जिस पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड. ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैक पाउडर मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स.
इस कार्बन रोड के आसपास एक पाउडर होता है ब्लैक कलर का, जिसमें जिसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड, और उसमें कार्बन भी मिक्स होता है। और इससे पाउडर के बाहर का जो स्पेस है यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड पेस्ट फिल किया हुआ है, ठीक है, फिल विद अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विच फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट, ठीक है। व्हेन द केमिकल्स इन द ड्राई सेल्स आर यूज्ड अप, द ड्राई सेल कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। अगर ये सारा केमिकल, जो ये केमिकल है अमोनियम क्लोराइड, ये सारा अगर केमिकल यूज हो जाएगा, ये सारा केमिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ हो जाएगा, उसके बाद ये सेल वर्क करना बंद कर देगा, ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और इससे बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, तो इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपको घर पर एक बार बनाकर देखना है।